Hi guys, today we are going to discuss part 4, lecture number 4. We are going to explain the configuration parts step by step. So watch this video till end. मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है करेक्ट? लोडिंग हो रही है. ठीक है, ओके. तो आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे. उससे पहले हम लोग कुछ आपको मैं थोड़ा सा एक डाउट जो है ना वो क्लियर उस दिन का मैंने निकाल दिया वो शिट. मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ. जो डॉक्यूमेंट है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. मैं आपको बता रहा हूँ वाईफाई, मैंने उस दिन आपको वायर का बताया था. अभी आपको वाईफाई किस तरह काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ एटलीस्ट, तो आपको एकदम ईजी लगेगा. उसमें कुछ वायर से ज़्यादा ईजी वायर वायरलेस है. ठीक है, अच्छा वायर से ज़्यादा ईजी वायरलेस है. ठीक है, ये आपका हो गया ए पी. मैं ध्यान से आप ध्यान मेरे दिमाग से आपको जो भी डाउट है पूछ लेना मुझे. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्सेस पॉइंट है आपका. ठीक है, कहीं कनेक्टेड है, समझो लॉबी में कनेक्टेड है, लॉबी एरिया. अच्छा एक मिनट, हम लोग किस किस के बारे में बात कर रहे हैं अभी? गेस्ट के बारे में कि किसके बारे में? ये सब आ गया उसके अंदर, सब आ गया. ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया. ये मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ आ गया इसमें. ठीक है, एक्सेस पॉइंट हो गया आपका, हो गया इधर आ गया कंट्रोलर. अभी हम लोग गेस्ट वाईफाई की बात कर रहे हैं क्या? सब कुछ आ गया आपको. मैं आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, उसमें सब कुछ आ गया. ठीक है, ठीक 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 है, है ये ठीक है आपका ठीक हो है गया डब्ल्यू एल सी. डब्ल्यू एल सी आपका कौन सा है, मैक, सिस्को या अरूबा है? कोई भी ले लो, कोई अरुबा भी ले ले लो. लो, चलो अरे बोले. ठीक है, ये आपका हो गया कंट्रोलर. ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, ये तो कंफर्म ऐसे ही होगा डिवाइस. ठीक है, उसके बाद आपका इधर आएगा, आपका इधर आपको आएगा अरूबा क्लियर बस सी पी पी एम. ठीक है, सी पी पी एम. ठीक है, उसके बाद ले लो आपका एक है, ये भी ले लेते हो आपको समझ में आएगा, एल टू. ये इसका कॉन्सेप्ट का आपको जो डर है ना निकल जाएगा. स्विच ठीक है, एल टू का स्विच है आपका ये. ठीक है, ये भी डिवाइस मेरे इससे कनेक्टेड है, किससे, मेरे क्लियर पास है. ठीक है, या और ये वाई, ये भी मेरा डिवाइस इससे कनेक्टेड है, और ये भी डिवाइस मेरा इससे कनेक्टेड है. ठीक है, ये हो गया आपके. और उधर ये ले लो, इधर एक वाईफाई यूज़र पकड़ लेते, ये वाईफाई यूज़र है, वाईफाई यूज़र, ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, ओके. ठीक है, अभी इसके बाद ऐसे आएगा, इसमें एक और लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप पीसी, ये पीसी ले लेते हैं हम लोग. इधर एक आपको एकदम क्लियर आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको जो मैं कहना चाहता हूँ आपको एक लोग पूरा समझ में आएगा. ये पी सी एल टू से कनेक्टेड है. ठीक है, और पी सी पे एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं अपन. एक एक बंदा इधर बैठा हुआ है पी सी पे, वो क्या पीसी? सिस्टम अभी है नहीं, अच्छा अभी पीसी पे. ठीक इमेज इमेज नहीं करके मैं एटलीस्ट आपको लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग करके लिए. है, ठीक है. पी सी, पहले एक काम करो, पहले आप ड्रॉ कर लो ना, फिर बात करते हैं अपना. हाँ पी सी हाँ मतलब एग्जाम्पल हमारे लिए ये सिस्टम, पीसी अच्छा, इट डजंट मैटर कौन सा है, इंटरनल वायर्ड और वायर्ड पीसी है. नहीं वायर्ड पी सी है, मैटर करता है वायर्ड, ठीक है वायर्ड. सिस्टम. ओके, विंडोज ले लो 10 यूज़ कर रहा है बंदा, और ये बंदा वायर से स्विच के साथ कनेक्टेड है. दीज आर दी वायर कनेक्शन, ये बंदा है वायर कनेक्टेड. ये वायर्ड यूज़र है, ठीक है, और ये यूज़र है वाईफाई यूज़र. ठीक है, सिग्नल के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये डिज़ाइन में कुछ कन्फ्यूज़न है आप में जो बना है, इसमें कुछ ऐड करना है तो मुझे बाद में एक्सप्लेन कर दो. इसमें आप समझ लो मैं क्या बना, इसमें आपके साइड से कुछ ऐड करना है कि मुझे ऐसा चाहिए था, मेरा ऐसा होता है तो भी मैं बताओ, तो उसके बाद जाते हैं. अभी आप किसमें कुछ और, इसमें अपन को, इसमें कुछ अपन को एडी एडी यूज करने की जरूरत है कि हाँ नहीं, एडी एडी, ऐड हाँ करने की एडी जरूरत? करेक्ट, एडी ऐड होगा. एडी तो इसमें सब मेन रोल अदा करेगा, वो तो एडी होगा ही होगा. एडी इससे बाइंड होगा, किससे, इससे. ठीक है, और इसका यूज़र नेम पकड़ लेते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड इसका निकल लेते हैं अपन संदीप, पासवर्ड ले लेते हैं एडमिन एट 123. ठीक है, ये संदीप का है. यूज़र एक उधर यूज़र बैठा है, उसका नाम है सोनी ले लो, उसका यूज़र नेम
सर सरनेम यूज़र नेम, ठीक है सॉरी यूज़र नेम, इसका पासवर्ड ले लो एडमिन एट, ठीक है ये ले इसका यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है अरे एक्चुअली ये हो गया छोटा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है इसका ये हो गया पासवर्ड, ठीक है इसका यूज़र नेम सोनी है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड ये है, इसका यूज़र नेम ये है, उसका यूज़र नेम ठीक है, ठीक है इसमें और कुछ ऐड करना आपके हिसाब से? इसमें एक और चीज ऐड करो ना अपनी दोस्त नहीं है इसकी लाइक स्प्रिंटर्स या स्कैनर्स वो तो वो छोड़ दो, फॉर मैक अथॉरिटी वो इजी है सब, वो इजी, वो इसमें मतलब मैं आपको वायरलेस के बारे में थोड़ा, वो प्रिंटर इजी है, वो सब इजी चीज है, इसमें आप कॉम्प्लिकेट मत करो, वो आप कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं, प्रिंटर प्रिंटर अगर वैसे ही विदाउट इसे बाईपास हो जाएंगे, सिर्फ उसको वाइट लिस्ट कराना आपको ना कंसर्न, दैट्स इट। ठीक है ये पीसी इधर है एक्चुअली, ये गलत हो गया, डबल डबल हो गया, तो कन्फ्यूजन बढ़ गया था, ये पीसी है ठीक है, ये पीसी है आपका, ओके वाइड यूजर है पीसी इसका, ये है इसका यूजर ने पासवर्ड, ये वाईफाई यूज़र है इसका यूजर ने पासवर्ड है, ठीक है अभी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल देखो, वह जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं, इसमें देखो पूरा खेल आपका जो है वायर्ड हो या वायरलेस सर्विस का ही खेल है, इसमें भी खेल सर्विस का ही है, अभी मैं एक आपको बताता हूँ वायर के वाईफाई के अंदर क्या होता है, कैपी पोर्टल होता है, गेस्ट वाईफाई होता है, SSID होता है, AP होता है, कंट्रोल होता है, अभी जो AP है एक्सेस पॉइंट वो कनेक्ट होता है आपके कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर मैनेज करता है AP को, करेक्ट यहाँ तक क्लियर है, जो भी पॉलिसी पुश होगा वो कंट्रोलर पुश करेगा एक्सेस पॉइंट को, करेक्ट, SSID भी पुश करेगा, कौन करेगा, कंट्रोलर पुश करेगा, करेक्ट, कुछ या कंफ्यूजन है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है, तो नहीं बिल्कुल नहीं कैपी पोर्टल भी बनेगा आपका वायर कंट्रोलर में बनेगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, या ठीक है तो कैपी पोर्टल क्या करेगा, मैं ये जो ये संदीप यूज़र है मैं कैपी पोर्टल से लॉगिन करूंगा, यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस करूंगा डालूंगा, उसके बाद कैपी पोर्टल एक्सेस एक्सेस पैन के पास एक्सेस पैन जाएगा, वायरलेस के पास वायरलेस करेगा, CPPM का CPPM भेजेगा, AD को AD ऑथेंटिकेट करेगा, वापस रिक्वेस्ट एक्नोलेज करेगा कि हाँ ये जो मेरे पास है वाईफाई के कंट्रोलर से एक्सेस पैन से यूज़र को अलाउ करेगा, ये कैपी पोर्टल का काम है, इतना समझ में आ गया, एक बार फिर से बोलो थोड़ा स्लोली बोलना एक बार फिर ठीक से। ठीक है मैं आप समझाता हूँ, अभी क्या होता है ना कि मैं शब्बीर हूँ, ठीक है अच्छा एक मैं मिनट हाँ सीपीपीएम बात करता है एडी से AD कौन से से प्रोटोकॉल पे बात करता है एलडैप पे बात करता है एलडैप पे LDAP या AD, LDAP से बात करता है, नहीं LDAP, नहीं द हाँ हाँ LDAP कम्युनिकेशन हैपन्स ऑन एलडैप प्रोटोकॉल LDAP LDAP करेक्ट, LDAP से ही बात करता है, करेक्ट LDAP से ही बात करता थ्री है, एट नाइन ठीक है 389 389 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 389 वो उसी अच्छा पर बात इसमें एक करता और प्रोटोकॉल भी आता है 646 वो बोलते हैं ज्यादा सिक्योर होता है वो पता है कौन सा है 646 है, इसमें हम लोग जब कॉन्फ़िगर करते हैं मैं आपको बताता हूँ बाद में आएगा, आज के लेक्चर में आएगा चल बताता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप ये समझो ठीक मैं है बताना चाहूँ, वो आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में सारा पार्ट है ये सब, ठीक है वो छोड़ दो, पहले ये ठीक समझो है कि काम कैसे कर रहा है, मैं आपको इस आपका जो कॉन्सेप्ट और डर निकाल रहा हूँ कि आप जितना डर रहे ना कि वो वाईफाई में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, एकदम वायर्ड से भी इजी वाईफाई है, आप ये समझ के चलो, क्योंकि आपका 90% काम तो कंट्रोलर कर रहे हैं, आप समझ रहे मेरी बात, 90% काम आपका कंट्रोलर कर रहे हैं, ओके तो अच्छा मैं कहा था समय जिन समझो संदीप सर का बंदा हूँ, मेरा यूजर नेम पासवर्ड AD में है, अभी ये भी बता दो कि हम कैपी पोर्टल क्यों यूज़ कर रहे हैं और CPPM क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप उतना बताइए क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बताइए इसमें आपको क्या नॉलेज के बारे में, हम CPPM क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये कैपी पोर्टल क्यों यूज़ कर रही कंपनी, इसका क्या रीज़न है, क्या वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्यों चाहती कंपनी के मैं यूज़ करूँ, बताइए इसका थोड़ा सा मुझे, आपकी लैंग्वेज में बताइए जो भी आपको समझ में आ रहा है तो बाद में मैं क्लियर कर दूँ, कैप्टिव पोर्टल इसलिए करती है मतलब जस्ट फॉर सिक्योरिटी राइट कि मतलब कि दे कैन कम दे कैन रजिस्टर देयर नेम ईमेल एड्रेस कि कौन हो बंदा बंदा है कौन मतलब जो बंदा कर रहा है देखो ना एक बंदा गेस्ट है ही वांट्स टू एक्सेस समथिंग वो बंदा है कौन मतलब हु इज दैट गाय उसका उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है ठीक है ओके ना ओके मतलब हु इज ट्राइंग टू एक्सेस द नेटवर्क ऑफ अ क्लाइंट वो कौन है दिस इज व्हाट आई कैन अज्यूम कि भाई उसी के कारण वरना तो देखो वरना तो सिंपल अपना है कि तुम यू जस्ट गिव वन प्री शेड की दे दो वो यू कैन गो टू रिसेप्शन और ले लो और वो की किसी को भेजते रहो फॉरवर्ड करते रहो कोई भी यूज करता रहेगा एडी कैसा है कि नहीं लीक हो गई तो है कि नहीं करेक्ट तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि कैप्टिव पोर्टल ये है कि इट इट गेट्स टू नो कि बंदा कौन है और उसके उसको व्हाट वी आर ऑथराइजिंग इट तो गेस्ट है
गेस्ट के क्या अथॉरिटी है, क्या व्हाट ही सपोज टू एक्सेस, बिकॉज इज अ गेस्ट ही कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग इन कॉर्पोरेट, ही कांट गेट एनीथिंग इन इंटरनल. वो आएगा स्ट्रेट, उसको आप बाहर भेज देंगे टुवर्ड्स फायरवॉल दैट इन टू इंटरनेट. ठीक है दैट्स व्हाट आई कुड टेल यू व्हाट. अगर बोले अगर ऑन अ हाई लेवल मोटा मोटा बोले या पर बोले ये ठीक है, करेक्ट है। तो आपका कहना एकदम परफेक्ट है कि मैं अभी एक्सेस पॉइंट के अंदर तो एक से SSID होता है, SSID से यूज़र नेम पासवर्ड कर दो, वैसे भी वो एक्सेस यूज़र अंदर पासवर्ड पता चल गया तो वो इजीली अपने नेटवर्क एक्सेस हो जाएगा। बट इसमें बिल्कुल करेक्ट होते इज एज अ लेमैन, हम लोग घर में भी ऐसे यूज़ करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, आपका मोबाइल चलता है, लैपटॉप सब कुछ चलता है, सब लोग यही यूज़ करते हैं। बट कॉर्पोरेट में हम लोग क्यों नहीं ऐसा यूज़ करते, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में नेटवर्क सिक्योर चाहिए। नो बडी, अगर किसने मेरा पासवर्ड प्री शेयर की शेयर कर दिया किसी और को या नेबर को शेयर कर दिया, तो वो शेयर सब लोग यूज़ करेंगे, करेक्ट है। SSID अगर मेरा पासवर्ड शेयर हो गया तो सब लोग और एरिया में मेरा पासवर्ड वाईफाई यूज़ होगा, ठीक है। बट कैपे पोर्टल क्या है और ACPM का रोल क्या है, कैपे पोर्टल के यूज़र नेम पासवर्ड का प्रॉम्प्ट लेके आएगा सबसे पहले, जैसा वाईफाई से यूज़र कनेक्ट हो जाएगा, जैसा मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, जैसा कनेक्ट होने के बाद तो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट आएगा इंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक है मतलब जैसे आप क्लिक हाँ क्लिक कर जैसे आप क्लिक हाँ करोगे कनेक्ट करोगे वाईफाई पे, कनेक्ट हो स्क्रीन पे जाएगा, एक पॉपअप आता है, पॉपअप पॉपअप हाँ क्लिक आएगा, करो कनेक्ट हो उस जाएगा, हाँ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, क्रेडेंशियल, एंटर द क्रेडेंशियल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट हाँ है एंटर योर नेम हाँ योर ईमेल एड्रेस करेक्ट। वो जो भी आप डालोगे कैपे पोर्टल डिफाइन करो वो आपको आएगा, ठीक है। कि हाँ आपको वो अप्रूव करने का भी आता है वो तो बात की चीज़ है, इतना आप समझा रहे हो कि कैसे काम करेगा। तो आपने जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला, ये यूजर नेम पासवर्ड पहले वो किसको भेजेगा, ये पहले इसको क्या करेगा, पहले ऑथेंटिकेट करेगा वाईफाई यूजर को, क्या है WLC में ऑथेंटिकेट होगा, ये यूजर लोकली होगा बट अप्रूव नहीं होगा, ऑथेंटिकेट लोकली होगा। अप्रूव करने के CPM के पास आएगा, CPM के पास रोल देखेगा, वो CPM भेजेगा ID के पास कि ये बंदा संदीप आपके पास है तो एक्नोलेजमेंट कीजिए, तो बस ID आपके पूरे डेटाबेस में देखेगा हाँ संदीप है, एक मिनट, WLC WLC भेजेगा CPPM के पास, CPPM के पास करेक्ट, CPPM भेजेगा AD के AD के पास, पास AD का एक्नोलेज करेगा हाँ मेरे पास संदीप है, वापस CPPM के पास, CPPM से रिक्वेस्ट एक अरुबा के WLC पर आ जाएगा, एक्सेस पॉइंट से डायरेक्ट एक्नोलेज करके यूजर को अलाउ किया जाएगा नेटवर्क में, हाँ पर चल नहीं चलो तो ये तो आपका कॉर्पोरेट का हो गया, करेक्ट है। बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन गेस्ट वाईफाई, गेस्ट में गेस्ट के लिए क्या होता है ना, गेस्ट के लिए आपको अप्रूवल लगता है, ये तो आपका कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए हो गया, ठीक है इतना। अभी जब गेस्ट आता है, गेस्ट के लिए एक मैनेजर या कोई तो स्पॉन्सर होता है जो उसको अप्रूव करता है, ठीक है तो आपको गेस्ट पोर्टल में वो दिखाना पड़ता है कि हु इज द स्पॉन्सर, जो बंदा आ रहा है उसका स्पॉन्सर को उसको मेल जाएगा, एक मेल हिट होगा कि ये आपका बंदा आया इसको अप्रूव करो, तब जाके उसको यूजर वो ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर, रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सर की होगी जो आपको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है तो आपको कॉन्फिगर पढ़ना पड़ता है, WLC में कॉन्फिगरेशन है ये, तो वो आपका इसमें CPPM में कॉन्फिगरेशन नहीं, आपका कॉन्फिगर WLC में होता है। ठीक है तो ठीक है अभी मैंने समझाया आपको यूजर नेम और संदीप, सेम थिंग आपका जैसे आप गेस्ट आएगा, गेस्ट का स्पॉन्सरशिप किसके पास जाएगा, वो स्पॉन्सर जो मैनेजर उसके पास जाएगा, अप्रूवल के जाएगा, और वो टाइम बिन के लिए अलाउ होगा, मतलब पूरा 1-2 दिन के लिए जितने भी मांगेगा वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास 2 गेस्ट आ रहे हैं उसको 2 दिन को एक्सेस चाहिए अपने नेटवर्क का, तो 2 दिन के लिए उसको एक टाइम बिन के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको 2 दिन अलाउ करेंगे पॉलिसी के अंदर, तो 2 दिन में अलाउ होगा, 2 दिन एक्सेस में 2 दिन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वो टाइम लिमिट भी आता है उसके अंदर, ड्यूरेशन है कितना, ड्यूरेशन 24 आवर्स, 8 आवर्स, 2 आवर्स आप डाल सकते हो उसके अंदर, वो पॉलिसी के अंदर आता है, WLC में आता है ये, अच्छा WLC में, CPP में नहीं आता, WLC का पार्ट है सब, ओके ये पूरा पार्ट WLC में है। अच्छा कैपी पोर्टल, गेस्ट पोर्टल, गेस्ट पोर्टल इसमें भी है अपने, इसमें भी गेस्ट, बट वो गेस्ट पोर्टल किसके लिए, वो अलग चीज़ है, वो इसके लिए नहीं है, वो CPPM के लिए, लेकिन आपका गेस्ट कौन है, एक्सेस पॉइंट वाईफाई के थ्रू, तो आपको कंट्रोलर में रहेगा वो। अभी ठीक है अभी ये हो गया वाईफाई का, वायर में भी सेम थिंग, जो वाईफाई रिक्वेस्ट आ रहा है वो वाईफाई थ्रू आ रही थी, ये आ रहा है PC लेके रिक्वेस्ट आ रहा था, ये PC लेके इस रिक्वेस्ट आ रहा था, एक मिनट इसको मैं पेन के सर, अभी क्या आ रहा है, ये वाईफाई की जगह क्या आ रहा है, ये यूजर आपको रिक्वेस्ट लेके आ रहा है स्विच के पास, स्विच के पास के पास, स्विच ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंट करने के बाद वो अपने पास तो ऑथेंट कर लिया, बट उसके बाद वो भेजेगा किसके पास, CPPM के पास, ऑथेंटिकेट हो चुका है ये अप्रूवल करो AD के पास, वापस सेम रिक्वेस्ट जाएगा वापस इसके पास, अप्रूवल होगा फिर ऑथेंटिकेट होगा वापस, वो एक्सेस करेगा, जब तक अप्रूवल नहीं होगा, एक्नोलेजमेंट नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, सेम वाईफाई की तरह, जब तक यूजर ने पास वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। बट इसमें एक चीज़ है, वाईफाई में आपको डॉटोनेक्स की पॉलिसी लगेगी, इसमें इसमें PC में आपको डॉटोनेक्स प्लस मैकऑथ की पॉलिसी लगेगी,
वो डिफाइन होता है अगर आपके नेटवर्क में मैकऑथ की पॉल, वायरलेस लगेगी आपको, डॉट वन एक्स की लगेगी वायरलेस ही पॉलिसी। नहीं, वाईफाई के अंदर सिर्फ वायरलेस की पॉलिसी, एक ही डॉट वन एक्स की पॉलिसी लगेगी, अच्छा ठीक है। ठीक है हाँ, मैकऑथ की भी वो और वायर्ड, और वायर्ड में वायर्ड में डॉट वन एक्स और मैकऑथ, मैकऑथ भी वो, मैकऑथ क्या होता है कि अगर मेरा मैकऑथ में यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस होता है, लेकिन वो कंपनी डिसाइड कर दी देना है नहीं देना, वो कंपनी की पॉलिसी है। आपको हाँ वो तो कैसा हाँ होता है ना कि यूजर नेम पासवर्ड एडी के पास नहीं होता, यूजर नेम पासवर्ड मैकऑथ में उसका इटसेल्फ मैक एड्रेस होता है, ठीक है तो वो उसके लिए वो कंपनी पॉलिसी, अगर वो देना है तो नहीं देना। बट डॉट वन एक्स टोटली सिक्योर होता है, उसमें कोई मैकऑथ नहीं चलता, उसमें स्टैंडर्ड यूजर नेम पासवर्ड ही चाहिए एडी का तो ही चलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई उसमें लूप होल नहीं है कि उसमें कोई अदर देन डालू, ऐसा नथिंग, ओनली डॉट वन एक्स है सिक्योर, प्योरली सिक्योर कनेक्शन। पर मैकऑथ में प्योरली सिक्योर कनेक्शन नहीं होता, मैकऑथ में बाईपास सिक्योरिटी होती है जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड, उस डिवाइस का यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस इटसेल्फ होता है, वो एडी के पास भेजेगा ही नहीं, वो इटसेल्फ मैक एड्रेस से अथॉरिटी करके बाईपास कर देगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि मैक अथेंटिकेशन के अंदर जो, अच्छा मैं एक मेरी बात सुनो, अगर मुझे किसी को, अगर मेरे को मेरे सारे यूजर्स को, मेरे को पीसी को, मेरे को मैक अथेंटिकेशन करानी है, ठीक है, तो मुझे उसके मैक एड्रेस, अभी देखो ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 500 पीसीज है, ठीक है, अब मेरे को टाइम तो है नहीं कि मैं सब हर हर पीसी का ढूंढ के लेके आऊँ मैक एड्रेस। अगर मुझे वो मैक एड्रेस ऐड करने हैं सीपीपीएम के अंदर, तो कैसे करूंगा मैं, व्हाट इज द इजिएस्ट वे? एक एंडपॉइंट के स्क्रिप्ट ही, अपना फाइल अपलोड करके भी, एक्सेल फाइल अपलोड करके कर सकते हो, ऑटोमेटिक एट वन टाइम में पूरे 500 हो जाएंगे। पर हु विल गिव मी द बैक एड्रेसेस, मैक एड्रेस आपको विंटेल टीम? विंटेल टीम देगा, डेस्कटॉप टीम देगा आपको, वो देगा तो ही वही अलाउ होगा ना, आपके एंडपॉइंट रिपोजिटरी में वो डेटाबेस होना चाहिए, नहीं तो कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि आपकी मैकऑथ की पॉलिसी लगेगी, तो मैकऑथ में जो आपके डेटाबेस में अलाउ है आपने व्हाइट लिस्ट किया वही चलेंगे, अदर देन नहीं चलेंगे, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, तो आपको वो ब्लॉक पॉलिसी अच्छा लगाना पड़ेगा। अच्छा अगर अगर ऐसे चार पांच प्रिंटर है, या पांच छह स्कैनर है, या कुछ है, या ऐसे कैमरास है, तो उनका तो आप निकाल सकते हैं फिजिकली, लॉगिन करके निकाल लो और ऐड कर दो, ठीक है करेक्ट, ठीक है। अच्छा मैंने देखा है कुछ सीपीपीएम के अंदर इंस्टेड ऑफ एडी वहां पे लिखा होता है लोकल प्री सीक्वल डेटाबेस, करेक्ट। उसका मतलब क्या होता है? अभी कैसा ना, बहुत सारे कंपनी की छोटी मोटी कंपनी रहती है, उसमें क्या होता है एडी सर्वर नहीं होता है, तो एडी सर्वर हाँ नहीं होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग, लोकल डेटाबेस में, लोकल डेटाबेस में हम लोग सीपीपीएम के अंदर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, लोकल डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड, वो यूजर नेम पासवर्ड हम यूजर को देते हैं, उससे वो लॉग इन करता है विदाउट एडी, विदाउट एडी, या समझ गए आप मेरे बात। समझ गया। हाँ तो मतलब हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर, लोकल डेटाबेस सीपीपीएम के अंदर क्लियर हाँ पास के अंदर बनाना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड, इसके एस्केप एडी, एडी नहीं होने के बाद आपको उसका डेटाबेस खुद सीपीपीएम का डेटाबेस चलता है, उसके यूजर नेम पासवर्ड चलता है, वो अगर आप वो ऑथेंटिक करवाना तो सीपीपीएम के डेटाबेस में देखेगा हाँ ये तो अलाउ करेगा, ना कि एडी के पास जाएगा, अच्छा यूजर नेम पासवर्ड इटसेल्फ आप सीपीपीएम बना के भी कर सकते हैं, वो लोकल डेटाबेस बोलते हैं उसको विदाउट एडी। ठीक है अभी कैसा, अभी सर्विस रिक्वेस्ट एडी के पास जा रहा है, वो एडी के नहीं रहेगा तो डायरेक्ट सीपीपीएम के पास से चेक करके अलाउ कर देगा उसको, ये भी गया। फैसिलिटी है, तो ये सिंपल है। अभी आपका मतलब हो रहा ना, वायर से ज़्यादा इजी आपका वायरलेस है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, नथिंग, ठीक है। नहीं, अरे मैं समझ गया भाई जी। देखो ना कैसा है भाई, देखो हाँ एक बंदा आया, उसको अगर आपको पढ़ाना है सीसीएनए, ठीक है करेक्ट, ना, हाँ अगर अगर देखो भाई जी, अगर आईटी के अंदर थ्योरी पढ़ा के, हाँ बुक्स पढ़ा के काम होता है था, तो हम लैब बनाते क्यों? बता दे, ये बात अभी मानता आपने हूँ, नाम सुना होगा, हाँ सुनो सही, आपने हाँ नाम सुना होगा समवन कॉल सीसीआई, हाँ करेक्ट, सुना है बना आपको, पता है सुना, सीसीआई कैसे पास होते हैं? हाँ बस यू सब नो पता है हाउ यू मुझे, बिकम अ सीसीआई, फादर पता है मुझे सब, में कैसे कैसे होता है हाँ उसमें थ्योरी होता सीसीआई, है, बाद में प्रैक्टिकल होता है, पर यू नो आपको, आपको पता है डबल कितने शूटिंग, कितने घंटे का होता है, प्रैक्टिकल डबल होता है शूटिंग, मतलब लगता है 8 घंटे का नियरबाउट होता है। एग्जैक्टली। तो भाई जी मैं खुद 2 बार फेल हुआ हूँ, अच्छा थर्ड बार मैं पास हुआ हूँ, पता ओके, है क्या? तो मैं बैंगलोर गया था, गया हूँ, फेल हुआ बैंगलोर, हूँ काफी, तो हाँ मुझे पता है कि टू बिकम अ सीसीआई, पर जब आप सीसीआई बनते हो कैसा है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज, देखो हाँ ना हाँ आपका पूरा, आपको नेटवर्क छोड़ दिया है, हाँ देखो थ्योरेटिकल जब मैं बताया, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बेसिक है, करेक्ट ये आपका करेक्ट, बेस है, अगर आपके रूट्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, सही बात बात बोल है? करेक्ट है, हाँ, तो मेरा वो बोलना है, देखो ना आप सही बोल रहे हो, देखो ना, पर मेरा बोलना है कि अभी देखो जब आप प्रैक्टिकल करते हो, देख बोले विक्रम ये है सीसीएन क्लास है, ये वी लाइन है, ये है वो है वो है,
जब आप बैठोगे स्विच के ऊपर आप टाइप करोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस प्रोटेक्टेड या फिर आपको क्वेश्चन आएंगे, वन क्वेश्चन रिलेट्स टू अदर क्वेश्चन करेक्ट. और अदर क्वेश्चन रिलेट्स टू अदर, जो आपने कॉन्फिगर कर लिया. अब मसला क्या हो गया, अब हो गया भाई जी कि आपका ना नेटवर्क बैठ गया है, यूजर बोल रहा है चाहे चल ही नहीं रहा है. अब आपके पास नॉलेज है थ्योरेटिकली, आप करेक्ट. थ्योरेटिकल नॉलेज देख रहे हो, हाँ ये होता है वो होता है, मैं यहाँ पे जाऊंगा आई कैन गो टू एक्सेस ट्रैकर दिस दैट, बट आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, करेक्ट. आपको हाँ पता ही नहीं है कि उसको ट्रबल कैसे करना है, बराबर समझ में आ गया भाई जी. बराबर. और देखो यार कैसा है कि आपको इट इज इट इट्स देखो जैसा पढ़ा रहे हो ना, इट सीम्स वेरी सिंपल, बट रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, जब यन यू मूव सर्विसेज आउट फ्रॉम आइस टू क्लियर पास, योर होल कॉर्पोरेट नेटवर्क 1,000 5,000 पीपल हु कनेक्ट टू इट, अगर वो बैठ गया, अगर वो नहीं हुआ, यू एज अ कंसल्टेंट आर बेसिकली काल रिस्पॉन्सिबल टू करेक्ट ट्रबल शूट एवरीथिंग. करेक्ट. सो वो दैट कॉन्फिडेंस ओनली कम्स इन व्हेन यू हैव डन प्रैक्टिकल, व्हेन यू हैव डन सिनेरियोस, आप खराब खराब करो ये करो वो करो, देन यू नो द थिंग हाउ इट वर्क. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझ गया मैं, वो वो नहीं आप बोल रहा हूं. करेंगे हाँ परफेक्ट जी है, वो भी हम लोग लैब करेंगे. मैं एक बात किया बंदे से, लेकिन वो लैब अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं वो दिखाता था आपको लैब, वो बंदे से बात अरे किया मैं था. आज भी गया था पता कराने के लिए, मैंने कम से कम 5 6, आज यूएस की छुट्टी है, यूएस हॉलीडे है, आज बैंक हॉलीडे है, अच्छा. तो यूएस बंदे भी बैठते हैं, उनसे भी पूछा मैंने, वो रिस्पॉन्स किया नहीं क्योंकि वो ऑफ है. यूके बंदों को पूछा मैंने यहाँ पे, बोलते यार वो एक हमने ESX नंबर पे हमने किया है आ गया, भले वो तो तुमने कर दिया, बोलता उसका एक्टिवेशन लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो मैंने वो तो ले लिया हमने, पर वो कहाँ है एक्सेस पॉइंट, बोलते लैक्स. हैं वो डेटा सेंटर में अलाउ नहीं कर रहे अच्छा. एक्सेस पॉइंट, क्यों, क्योंकि डेटा सेंटर में ऑलरेडी चल रहा है WLC चल चल रहा है, अगर वहां पे हम एक्सेस पॉइंट लेके आएंगे सो इट विल इंटरफेयर विद द बराबर. रेडियो, वो रेडियो वो ये तुम्हारा नवा लफड़ा खड़ा कर दिया. ये वो हो जाए. करेक्ट. तो लाइसेंस बलाया कुछ कर रहा है, वगैरह बलाया लाइसेंस क्या, आपको चाहिए क्लियर पास को तो मैं दिला दूंगा. करेंगे लाइसेंस आपको, मैं दे 3 महीने का लाइसेंस फ्री मिल जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी. यूज़ करने के लाइसेंस आपको मैं दे देगा, उसका टेंशन नहीं है. अरे वो तो, अरे वो तो अपन कर नहीं, अरे ये जो अभी ऑफिस वाले इनको इनसे कराऊंगा हाँ, ना इनसे कमीनों करूँ. से, करेक्ट ये करेक्ट. साले पैसा दे रहा है ना क्लाइंट, क्लाइंट दे रहा है क्लाइंट, तो खुद करके दो बराबर. है कि नहीं, तो वो है, वो तो सही है. मैंने बोला कि मैं खुद हाथ पाँव बहुत मार रहा हूँ करने कराने के लिए, कैसे नहीं, करने का है मेरा क्या. जितना कॉन्फिडेंस, मेरा जितना आपको नॉलेज, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से एकदम स्वीटली हो जाएगा. मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा चैलेंजेस थोड़े बहुत आएंगे, बट वी ट्रबल शूट, वो तो सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो ही चलो, कोई इसमें कोई नहीं, चलो ठीक है. तो ये आपने मेरे को मैं बता दिया कि भाई आपका एक्सेस पॉइंट का हो गया कि भाई यूजर कनेक्ट, एक संदीप नाम के बंदे ने कनेक्ट किया, ये है कॉर्पोरेट यूजर, करेक्ट. उसने कलेक्ट किया वाईफाई के ऊपर समथिंग कॉल कॉर्प अंडरस्कोर बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट कॉम पे कलेक्ट करेक्ट किया, उसे कलेक्ट कर दिया, वो करेक्ट आया भाई. रिक्वेस्ट आई WLC पे, WLC के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है क्लियर पास की, करेक्ट. तो उसने डायरेक्टली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी CPPM के पास. CPPM ने क्या किया, पहले सर्विस देखी करेक्ट. सर्विस है कि नहीं, सही है करेक्ट. सर्विस देखे. सर्विस परफेक्ट. देखी, सर्विस में अलाव है, सर्विस में अंदर AD का नाम लिखा हुआ है, AD पे रिक्वेस्ट गई, करेक्ट. AD बंदा मिल गया, उसने ऑथराइज किया, एंड दिस इज हाउ द गाय इज कनेक्टेड नाउ एंड करेक्ट. इन अ वेरी सिंपलेस्ट वर्ड्स, बस. ये लेट्स नॉट टॉक अबाउट रोल मैपिंग्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनफोर्समेंट, वी कैन डू इट टुमारो मे बी बिट मोर इन डिटेल, ठीक है भाई जी. करेक्ट. ये हो गया, अभी इन्फोर्समेंट. वायर्ड में कैसा है, हाँ चलो चलो, कंटिन्यू. हाँ. वायर्ड में ये है कि आपको PC आपने कनेक्ट किया सेम ऐसा ऑथेंटिकेटर, आपको IP मिल गया DHCP से, एंड देन यू वांट टू नाउ ऑथेंटिकेट, पर मैं तो करेक्ट. सोच रहा हूँ कि हाँ ऑथेंटिकेट करके करोगे क्या करा. अच्छा अरे आपने नहीं, आपने क्या किया, यू पुट योर AD क्रेडेंशियल्स, करेक्ट. तो वो AD गया स्विच से ACPPM पे, फिर AD बैक ऑथेंटिकेशन होके वापस आ गया, करेक्ट. चलो ठीक है ये भी सही है, ठीक है समझ में, ये तो समझ में आ गया मेरे को, तो ट्रैफिक तो समझ में आ गया है, तो बिल्कुल अभी इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो, मेरे पास एक PPT, में मेरे पास PPT तक लाइव का है, मैं बैकअप लेके रखा है, एटलीस्ट सबको दिखा देता हूँ. देखिए इसमें जो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो लाइव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें क्या होता है, ये सब सेम आएगा, सिर्फ आपका चेंज होगा. ये इथरनेट दिख रहा है ना, 15 इथरनेट 15 दिख रहा है आपको. हाँ ये वायर्ड का है क्या. हाँ, अच्छा वायर्ड का. इसमें 6 की जगह सिर्फ वायरलेस आएगा, इतना वायरलेस आएगा, दैट्स इट. और बाकी सब कुछ सेम रहेगा. इसमें आपका जो ग्रुप चेंज होगा, जो ग्रुप में आपने वायरलेस का WLC रखा है, वो ग्रुप आएगा, बाकी सब कुछ सेम आएगा, सेम कंडीशन आएगा. ये जो कंडीशन टाइप वन चीज नेम में इथरनेट आ गया, उसके बाद वायर्ड आएगा. वायरलेस, अच्छा बाकी व्हाई हैव यू क्लिक्ड ऑन ऑथराइजेशन, व्हाई नॉट पोस्चर, व्हाई नॉट प्रोफाइल, व्हाई नॉट अकाउंटिंग. पोस्चर. अभी इसमें कैसे होगा ना, इसमें पोस्चर पॉलिसी लगेगी वाया
वायरलेस पे पोस्टर पॉलिसी लगेंगी वो देखना पड़ेगा अब इसमें नहीं कैसे नहीं क्या। हाँ भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने उस पर क्लिक क्लिक किया है ऑथोराइजेशन, इसका मतलब क्या है? अभी ऑथराइज मतलब रेडियस के थ्रू चल रहा है ना, तो रेडियस ऑथराइजेशन के लिए है अच्छा अभी अच्छा इसमें। अगर आपने इसको अभी इसको उसको अगर आपने अभी अनचेक कर दिया फिर क्या होगा? ऑथराइजेशन होगा ही नहीं, रेडियस कम्युनिकेट ही नहीं होगा, अच्छा ठीक है, ऑथराइजेशन प्लस तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले बनाया, आपने कंडीशन बनाई, कंडीशन कंडीशन रेडियस IETF करेक्ट नास पोर्ट टाइप करेक्ट। इक्वल्स ईथरनेट, अच्छा इसके जगह पे आ गया आपका वायरलेस वायरलेस वायरलेस। दैट्स इट अभी रुक जाओ, सेकंड वन आपने बनाई, सेकंड कंडीशन करेक्ट। IETF नेम के, अच्छा ये है, अच्छा नास पोर्ट टाइप और सर्विस टाइप में क्या फर्क है? नासपोर्ट और क्या बोले, नास पोर्ट टाइप और सर्विस टाइप में दोनों में क्या फर्क है? नास पोर्ट टाइप मतलब उस पोर्ट पे जो रन हो रहा है उसके लिए आएगा, वायरलेस के लिए कंडीशन अलग आएगा, वायरलेस का ठीक है कंडीशन ठीक ठीक है है अलग आएगा। तो वो जो पोर्ट से ठीक है रन ठीक होगा, है ठीक नास पोर्ट है ना, वो नार्ड पोर्ट का डिवाइस, दैट्स नास पोर्ट स्विच पोर्ट। है। नीचे आ गया आपका सर्विस टाइप बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू सर्विस अच्छा टाइप, व्हाई नॉट इक्वल्स टू, नहीं, इक्वल्स नहीं आएगा, आईटीपी का अच्छा सर्विस, हम लोग सर्विस में जाएंगे, सर्विस बिलोंग्स टू क्या मांग रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड फ्रेम बाय ऑथेंटिकेट ओनली, मतलब वो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट ओनली लिखा है, मतलब ऑथेंटिकेट होना उसके बाद ही अलाउ करेगा, वो बोला ना आपको जो एडी सब वेरीफाई करेगा वो सब इस कंडीशन में आएगा, लॉग इन अरे यूजर लॉग इन फ्रेम यूजर फ्रेम यूजर्स, यूजर ये ऑथेंटिकेट, कंडीशन आएगा उसमें। ओके तो कनेक्शन नेट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू ग्रुप, अभी कैसा है ना, आपके पास ग्रुप बोले तो कैसा है, अभी आपके पास समझो 10 WLC तो ग्रुप आएगा, अगर एक ही है कनेक्शन के लिए तो एक ही है कनेक्शन के लिए, एक ही इसमें कंडीशन चेंज होता है, एक के लिए एक ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, वन एक सिंगल डिवाइस, नॉट आईपी एड्रेस ग्रुप की जगह नॉट आईपी एड्रेस आएगा, दैट्स इट, एक पीसी का आईपी, हाँ सॉरी ओके वन का हाउ डू यू मेक अ ग्रुप? ग्रुप बनाना पड़ता है आपको, इसमें डिवाइस डिवाइस ग्रुप में बनाना पड़ता है, वो ग्रुप इधर फॉर्म होता है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बनता है ग्रुप, इसमें बनता है ग्रुप, इधर बनता है ग्रुप, डिवाइस ग्रुप, अच्छा डिवाइस ग्रुप में ग्रुप तो बनेगा यहाँ पे आप ग्रुप बनाते हो और उधर वायरलेस का भी, सबका, ये देखो अब और वायरलेस का बना हुआ है, क्लिक कर रहा है प्लीज, इस ये सिंपल लेकर के इसमें डेटा नहीं दिख रहा है। सब कुछ आपके आप एक ग्रुप बना सकते नहीं, इसे बनाए कैंसिल कर देंगे। अच्छा नहीं बना नहीं सकते, पर बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको इधर क्लिक करना है या ऐड करके ऑप्शन आता है, वो भी मैं ठीक दिखा, है इस तो सिंपल है कुछ, इसमें सेम ऐसे ग्रुप बनाएंगे जैसे आपको दिख रहे, ग्रुप बनाना और ऐड पहले ऐड करना है डिवाइस को, उसके बाद उस मतलब पहले डिवाइस ऐड होगा और वो ऐड वाला डिवाइस उस ग्रुप में मर्ज होगा, दैट्स इट, बाइंड होगा, और वो ग्रुप वो पॉलिसी में कॉल होगा, कॉल करेगा वो ग्रुप को, अच्छा ये सब सैंपल ग्रुप है। मेरे पास अगर ग्रुप का डेटा तो नहीं रहेगा लगता है, एक मिनट, इसमें ऑथेंटिकेशन का सोर्स है, ऑडिट है, ग्रुप का डेटा हम लोग नॉर्मल लेते हैं क्योंकि वो सब डिवाइस आता है। डिवाइस ग्रुप लेते नहीं क्योंकि डिवाइस ग्रुप कॉमन आता है, इसे हम लोग लेते नहीं, वो क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसका बैकअप मैंने इसमें लिया ही नहीं है। तो ग्रुप इज सिंपल, उसका कुछ मेजर नहीं, ऐसे ही आता है, तो ये पॉलिसी इस तरह से बनेगी, इसमें डॉट ओनेक्स वायरलेस का आएगा, इसमें वायरलेस का अलग आता है, टेम्पलेट आता है ऑटोमेटिकली, अच्छा एक वायरलेस का ओपन करो ना, वायरलेस का ओके एक सेकंड, एक ऊपर वाले में डिवाइस कनेक्टेड है, ये वायरलेस का है। इसमें टाइप आ गया एक्सपोज वायरलेस, अच्छा तो 802.11 ये क्या ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है वायरलेस क्या? वायरलेस वायरलेस, हाँ ये स्टैंडर्ड ABGN का कॉल करता है ना, ABGN स्टैंडर्ड है उसका वायरलेस का, ये 11.802 डॉट बिल्कुल 11 ABGN पता है ना आपको, BN6 आ गया हाँ याद आ गया, तो ये उसी ये का टाइप है, इसमें बाकी सब सेम रहेगा इसमें, इसमें तो इसमें चार आ गए अभी, इसमें तीन थे, इसमें अरुबा SSID भी आ गया ना, इसलिए उसको आपका जो अरुबा 360 सिक्योर रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, अगर आपके पास नेटवर्क में है तो,
तो जरूरत नहीं दी, तीसरे की जरूरत नहीं पता है। ही नहीं अरुबा थ्री से होता क्या अरुबा सिक्योर वो है डिवाइसेस है, थर्ड पार्टी डिवाइसेस है, वो जरूर होगा तो ठीक, नहीं है तो कर सकते, ऐसा कोई नहीं। बट ये तीन कंडीशन तो कंफर्म है। ये लास्ट वाला देखो, ये ऐप नेम ये क्या कंटेन जी सील क्या SSID नेम है क्या? सील, उसका ये ग्रुप नेम है, मतलब ये ऐप एपी का नेम है, एपी का अच्छा नेम, एपी का नेम है, सिंगल सिंगल एपी को इसने कॉल किया है। एपी नेम कंटेन, अच्छा एपी नेम है, करेक्ट, एपी का नाम है वो। एक पर्टिकुलर की लैब के लिए एक ही पीस है वो, कंट्रोल वायरलेस पे कंट्रोल, एक ही पीसी पे उसने टेस्टिंग किया है। इसके बाद इसमें आता है सर्विस, इसमें देखिए आपको ऑथराइजेशन एंड प्रोफाइलिंग आपको करना है, वो तो बताया था उस दिन ने आपको। वायरलेस का अलग आता है, ठीक है ना, देखो 8.0.10 वायरलेस आता है, दिख रहा है आपको टाइप, ये वायरलेस का अलग आता है, देखिए ना आपको, .NET का अलग था, वायरलेस का अलग। इसमें देखिए ये वायर्ड का है, ये वायर्ड का अलग आएगा, ये वायर्ड दिख रहा है आपको, वायर्ड दिख रहा है इसमें वायर्ड, ये वायर्ड का अलग आता है। टेम्प मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, हेलो हाँ हेलो जी सुन रहा हूँ सुने, नहीं हाँ वायर, जी ये वायर का है, दिख रहा है, वायर का अलग है और वायरलेस का अलग है, ये वायरलेस का है, वायरलेस का अलग आएगा दिस वन, ठीक है, टाइप का वायरलेस, वायरलेस आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप ऐड करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें वायरलेस सिलेक्ट करना है, वायर्ड की जगह वायरलेस। बिल्कुल ठीक है बाकी ऑथेंटिकेशन बाकी सब अच्छा सेम रहेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन जो एडी रहेगा वो लेगा आपका, रोल्स अगर आप बनाते हो तो रोल आप बना सकते हो एज पर डिपार्टमेंट। इन्फोर्समेंट आपका पॉलिसी, वो पॉलिसी जैसा कंपनी बोलेगी वैसा आप बना सकते हो, वो कंपनी की जो आपकी पॉलिसी रहेगी ना वैसी बनाना पड़ेगा आपको, बनाना मतलब जो आइस में बनी रहेगी वैसी आपको बनाना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ आपको उसमें इसका पॉलिसी कॉल करने का तरीका अलग है, लेकिन उसका अलग रहेगा पॉलिसी, इसकी पॉलिसी अलग है। इसमें एक मिनट, इसमें ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, इसमें ट्रैफिक दिख रहा था मुझे, हाँ इसमें ट्रैफिक है वायरलेस में, एक मिनट। 1 मिनट होल्ड करना 1 मिनट होल्ड करना सिर्फ 1 मिनट आता हूँ 1 मिनट के अंदर हाँ जी सर ठीक है। तो ये बाकी सब सेम रहता है, ये आपको एक ही टाइम बनाना है, बाकी ये सब ये पॉलिसी सब जो सारे WLC डायरे एपी पे चलेगी, एक ही पॉलिसी बनाना है आपको, ये पॉलिसी है वायरलेस की। ठीक है और पर इसके एक बाद अपने जो रोल मैपिंग्स है हाँ एनफोर्समेंट्स वो आपको है देख देख के बनाना है, नेटवर्क वो आपको देख के जो आईएस के रोल है वैसे ही देख के बनाना है, रोल रहेंगे ना ऑलरेडी, ऑरेल के रोल रहेंगे, इन्फोर्समेंट रहेगा, उसके हिसाब से आपको अबे उसको आइस का रोल सर नहीं हो हमें खुद का रोल बनाना है मेरे को वैसे अगर खुद बनाना तो वैसे कैसे करूंगा मेरे को नहीं वो तो तो समझना पड़ेगा पहले रोल बनाने के लिए आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, अभी जैसे कैसे कंडीशन आपके क्या है उसमें सिनेरियो, अभी देखिए ये ऑथेंटिकन और ऑथेंटिकेशन आउट मेथड इक्वल्स टू इफ TLS होना चाहिए, इसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन ऑन बोर्ड डिवाइस रजिस्ट्री ऑनो एग्जिस्ट, ये सब कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, अभी कंपनी में ऑन बोर्ड ऑन बोर्डेड डिवाइस में क्या क्या कंडीशन आप लगाने वाले वो देखना पड़ेगा आपको। अब अच्छा इसमें एंड पॉइंट ओनरशिप कंटेन कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो कॉर्पोरेट डिवाइस की पॉलिसी लगेगी, ये सब कंडीशन है। सील एडी के अंदर ऑनबोर्ड डेमो अकाउंट नेम्स विथ IOB, ये कंडीशन है, ऑनबोर्ड डिवाइस यूजर, ये सब कंडीशन है, जो भी ऑनबोर्ड होगा उसके लिए सब भी कंडीशन लगाए हुए हैं, तभी वो आपकी जो अब एक्चुअली पिक्चर जो रहेगा आपको वो कंपनी के सिनेरियो पे रहेगा। मेरे को लगता है आइस था तो उसमें 100% कंडीशन रोल रहेंगे ही रहेंगे, 100% रहेंगे। वो तो होंगे चलो मेरे को उसमें पहले मेरे को बोला आज का एक उड़ाना पता नहीं है पहले वो समझना पड़ेगा वो होता कैसे है वो तो बात की बात है ना पहले यहाँ पे तो समझू कि इसमें करते कैसे है क्या करते हैं
देखो ना, पहले यहाँ पे समझ में आएगा रोल्स के। अभी को ये जो देख रहा हूँ रोल्स को, इसमें काफी लगी हुई कंडीशन लगी हुई हाँ है, इसमें ज़्यादा पता है ना क्या? लोग, अभी रोल मतलब क्या होता है, अभी मुझे कि अभी आप विक्रम है, अब विक्रम को मुझे रोल देना है कि इसको सिर्फ 15-20 एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए, पूरा इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से रोल डिफाइन करूँगा। ये बंदा सिर्फ कॉर्पोरेट नेटवर्क के कनेक्ट होना चाहिए, बाकी वो एचआर एम्प्लॉय से एचआर के नेटवर्क में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है, ये रोल डिफाइन होगा कि बंदे को क्या क्या रोल मुझे देना है। अभी आप सीसीआई तो आपको नेटवर्क डिजाइन करना चाहिए, उसको एसओपी बना के देना चाहिए, ये सब रोल में आ गया। उस बंदे को क्या क्या पॉलिसी लगेगी, क्या रोल हम डिफाइन करेंगे, एक एक से एक सेट से बंदा कनेक्ट होता है तो उसको क्या क्या पैरामीटर हम लोग लेके जाएंगे, वो रोल आपको इधर डिफाइन करना है। वो बंदा कॉर्पोरेट में होना चाहिए, हाँ, कॉर्पोरेट में, वो एडी में होना चाहिए, वो हाइड एडी में, उसका अनबोर्डेड होने के बाद उसका डिवाइस सक्सेसफुली आना चाहिए, वो सब चीज़ें कंडीशन में आएंगी। और अच्छा इन्पोस्टमेंट में आपका क्या आएगा, ये इन्पोस्टमेंट में ये पॉलिसी है, इसमें रोल अलग है, पॉलिसी, ये पॉलिसी इन्पोस्टमेंट इज अ पॉलिसी, दिस इज अ स्टैंडर्ड पॉलिसी, या पॉलिसी आपको लगाना पड़ेगा कि बंदा कॉर्पोरेट का होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड मैच होना चाहिए, क्वारंटाइन पॉलिसी दिखना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वो सब कंडीशन में ये पॉलिसी में आएगा। ये दिख रहा है ना, हेल्दी दिख रहा है, हेल्दी, अगर हेल्दी है तो हेल्दी पॉलिसी जाएगी, बंदे का सिस्टम अगर जो भी लैपटॉप जो भी डिवाइस है अगर क्वारंटाइन है तो वो क्वारंटाइन की पॉलिसी लगेगी, तो क्वारंटाइन का पॉलिसी लगेगा, तो वो सब रोल्स ये पॉलिसी में आता है, रोल अलग है पॉलिसी अलग है। ये दो अलग चीज़ हो गई दोनों, बाकी ये तो सब सेम है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेस करना है, ये इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें वायरलेस का लगेगा, और ऊपर वायरलेस का सीओए बताया ना आपको, ये सीओए वायरलेस का लगेगा, हाँ जी, ठीक है, हर एक का सीओए अलग अलग लगता है, एक ही सीओए सब जगह काम नहीं आएगा। तो ये आप जब कॉन्फिगर करेंगे ना तो इजीली आपको समझ में आएंगे, 100% श्योर है ये आपको, अभी आपको लग रहा है कि क्या हो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब लाइव करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, जब आप डिलीट करेंगे क्रिएट करेंगे। अभी आपका जो सीपीपीएम है वो अभी लाइव है या नहीं? हमारा एक हमारा हम लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है हम लोग, पता है क्या? तो हम लोग ना, हमारे दो इन्वायरमेंट है, यूके और यूएस का। जो यूके वाला है वो अभी तक मतलब ऑलमोस्ट लाइव ही है, मतलब समझ लो आ गया। तो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? हाँ, तो वो लोग उसमें अभी गैस का करेंगे। पहले वो गैस का पूरा कैप्टिव पोर्टल बनाएंगे, पूरा वो करेंगे। मेरे को उन्होंने बोला है कि विक्रम आपको पूरा काम क्या है, आपका स्कोप ऑफ वर्क ये है, बता देखो। पहले क्या करना है हमें, टू स्टार्टअप विथ आइस चल रहा है 70% जो इन्वायरमेंट है वो है अरुबा का कंट्रोलर और अरुबा के एपीज भी है। ठीक है, 30% इन्वायरमेंट है, थोड़े है अपने पास, 15-20 है हमारे पास, सिस्को के WLCs है, सिस्को के एपीज भी है। ठीक है, उसको हम खत्म कर देंगे इन फ्यूचर, अरुबा में कर देंगे, ओके, ठीक है? आप सब कुछ जो है गैस जो है सब कुछ वो ऑथेंटिकेट हो रहा है आइस के अंदर, बराबर, ठीक है? तो मेरे को क्या बोला विक्रम, वो जो चल रहा है गैस उसको छोड़ दो, हम लोग एक नवी SSID बनाएंगे, ठीक है, ठीक है? समथिंग कॉल, जैसे कंपनी का नाम है नेशनल ग्रिड, तो बनाएंगे NG स्पेस गेस्ट, ठीक है? कोई नाम कोई पकड़ लेंगे, है कि नहीं? और क्या करना है हमको विक्रम, वी हैव टू मेक अ फुल कैप्टिव पोर्टल, फुल कनेक्टिविटी थ्रू, सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने हैं, लेने हैं, बनाने हैं, डालने हैं, जो भी करना है, क्या मतलब पूरा एंड टू एंड, ठीक है, ठीक है? वो करना है। तो विक्रम वो पहला स्कोप ऑफ वर्क है। सेकेंड ऑफ स्कोप ऑफ वर्क ये है कि वी हैव टू मेक अ कॉर्पोरेट SSID। हमें करना क्या है, हमें Windows 10 और Windows 11 के PCs है, हमें वो कनेक्ट करवाने हैं, ठीक है? उसकी पॉलिसी बनानी है, उसको हम अरुबा से करवाएंगे, ठीक है? ठीक है, हमें उसमें हमें बनानी पड़ेगी, दो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक अरुबा की भी होगी, एक सिस्को की भी होगी, बराबर जाहिर सी बात है दोनों बराबर, परफेक्ट, अलग अलग है ना, दोनों अलग वो अलग आ है, गया। करेक्ट करेक्ट, और हाँ, और उसको हम लोग लॉन्च करेंगे, हमारे टू बड़े हेड ऑफिस है वहां पे हम लॉन्च करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद उसको रोल वो करेंगे, विल डू अ रोल आउट। थर्ड वन ये है कि वी विल ऑल्सो हैव अ वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, वायर्ड को हम बड़ा बाद में करेंगे, ओके, पहले भी क्या वायर्ड सब चल रहा है ना, वायर्ड वायर काम कर रहा है, आईस पे काम कर रहा है, ओके, तो विल डू स्लोली स्लोली। पर मेन काम है कि पहले गैस का कैप्टिव पोर्टल बनाना है, पूरा वो करना है, ये करना है, ठीक है ना? तो वो पूरा करो, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करो, वो करो, ठीक है ना? उसके बाद वो हो गया, फिर कॉर्पोरेट SSID बनाओ, ओके, Windows 11 के PCs दे वांट टू डिप्लॉय, क्योंकि नवे आ गए हैं कंपनीज के, उनको उनको दे वांट टू हैव लेटेस्ट मैकेनिज्म। Windows 10 भी है काफी, पर Windows 11 भी आ गया है, तो दे वांट टू डिप्लॉय कि हाँ Windows 10 और 11 की दोनों के होने चाहिए, चलने चाहिए। बराबर, एंड वैसे कॉर्पोरेट SSID करेंगे। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास ओल्ड AD भी है, और हम नवा जो AD है हम लोग उनको सोच रहे हैं कि वी माइट डिप्लॉय इन एज्योर,
और AWS, सोच ओके रहे हैं किसमें करेंगे, वो बात क्या चल रही है उससे हमको इंटीग्रेट कराना है सब कुछ, ठीक है। ठीक है तो वैसे कर रहा है विक्रम। तो ओके ये मेरी आज उनसे बात हुई है कि भाई स्कोप ऑफ वर्क तो बताओ क्या है। ओके तो ओके पहले बोला है विक्रम भाई गेस्ट वाईफाई, उसके बाद है कॉर्पोरेट वाईफाई, करेक्ट उसके बाद है वायर्ड, ओके उसके बाद ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम आइस टू यहाँ पे। तो अभी जो गैस बनाएंगे हम वाईफाई, हम लोग बनाएंगे इंडिपेंडेंट, ठीक ओके है। तो ओके आइस का वो चालू रखेंगे और नवा बना देंगे अपना, ठीक है। और जब वो चल पड़ा तो वी विल शट डाउन द आइस गैस वाईफाई, ओके ठीक है। वैसा है। तो अभी जो पॉलिसी जो आइस में चल रही है उसको अपन ने डायरेक्ट माइग्रेट नहीं करे, डायरेक्ट नया पॉलिसी बनाना, उसको देख के कि कैसा है उसका उसका स्कोप अप क्या बोला नहीं, उसने। नवा नवा एकदम ब्रांड न्यू, तो ब्रांड ब्रांड न्यू नहीं, देखे ब्रांड खुद न्यू, का। बट रेफरेंस वो यूज़ करना है डेटा या नहीं यूज़ करना है? मेरे को लगता है रेफरेंस यूज़ करना चाहिए अपने वो। मेरे को उन्होंने बोला नहीं है बेसिकली, आ गया नहीं, उसको बोलने से क्या होता है, क्या आपको मैं बोलते बोल हैं, रहा हूँ उसका रेफरेंस यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। मैं पूछूंगा, देखो अभी हमारे जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है ना, आ गया, तो अब एक दो बंदे काम कर रहे थे, एक बंदा छोड़ चला गया, परमानेंट स्टाफ कहा गया। अब एक बंदा, एक परमानेंट बंदा, एक गोरा है, वो उसको आइस पे आता है, उसको भी आता नहीं क्लियर, क्लियर पास पे भी। ठीक है तो वो अभी वो परमानेंट है, उन लोगों को ट्रेनिंग मिल जाती है अपने अंदर से। बराबर हाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, समझ आया क्या? हम लोगों को कुछ कुछ सारा मिलता नहीं है, ठीक ठीक है है ना। ठीक है तो क्या बोलते हैं, तो वैसा ही है। इससे मैं हाथ पांव मार रहा हूँ ना भाई जी, अभी समझ में आया क्या? अभी क्या करना है मैं बता, आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दो। अगर आपको, अगर जो बोलता है कि पहले गेस्ट वाईफाई, उसके बाद कॉर्पोरेट, उसके बाद वायर्ड, तो गेस्ट वाईफाई बनाने के लिए हाँ आपको जी क्या करना पड़ेगा? आपका जो CPPM है, एक एक्सेस पॉइंट ले लो, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट ले हाँ लो, जी हाँ, और वो वायरलेस कंट्रोल है उसके पास ऑलरेडी। वायरलेस कंट्रोलर भी मतलब होगा ही, होगा ही। देखो नहीं होगा, नहीं चलेगा भाई, या नहीं वो कंफर्म होना पड़ेगा, उसके हिसाब से बताता ना मैं। मतलब अभी मतलब देखो ना, पूरा एनवायरनमेंट जो है वहां, पूरा एनवायरनमेंट इज मैनेज बाय WLCs, हाँ तो फिर कंट्रोलर हो गया ना तो वो, जाहिर तो सी बात है। कंट्रोलर ही है, हाँ, बिल्कुल तो WLC वही। कंट्रोलर है, ठीक है। तो अपन वो कंट्रोलर को बाइंड करेंगे, लेकिन बाइंड करेंगे तो, लेकिन वो आप एक ही PC, एक ही AP के ऊपर आप वर्क करोगे, पूरा एग्जिस्टिंग कंट्रोलर पूरा पूरा यूज़ नहीं करोगे। मतलब आपको सिर्फ एक AP के ऊपर ही काम करना, वो SSID पे काम करना, वो SSID पे आपको एम्प्लॉय को कनेक्ट करवाना है, एक AP पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करवाना है, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट SSID पे कनेक्ट करवाना है, तो विद हेल्प ऑफ आपको रेडियस के थ्रू ही करवाना है। तो आपको यहाँ पॉलिसी बनाना पड़ेगा अपने CPPM में, ठीक है रूल और एनफोर्समेंट वो लास्ट में आएगा, उसको आप छोड़ दो, वो बात की बात है। हम पहले हाँ कनेक्ट करेंगे, हाँ बाद में वो बोलेगा कि ये रूल होना चाहिए, उसके बाद हम रूल लगाएंगे। पहले हम लोग रास्ते को ब्लॉक नहीं करेंगे, अगर रास्ते को पहले ही ब्लॉक करेंगे तो अंदर बंदा ही नहीं आएगा। पहले कनेक्ट होगा, रेडियस ऑथेंटिकेट होगा, प्रॉपर चलेगा, तो बाद में हम रूल डिफाइन करेंगे कि इसको क्या क्या देना है। बाद में पॉलिसी डिफाइन अच्छा करेंगे, कंप्लायंस डिफाइन करेंगे कि उसको कौन सा क्या एक्सेस करना, एंटीवायरस होना चाहिए, जो भी हमारा कंप्लायंस होगा वो बाद में हम डिफाइन करेंगे, वो पोस्चर पॉलिसी जो भी है वो बाद में आएगा। तो अभी पहले ही हम लोग डायरेक्ट रूल और एनफोर्समेंट पे काम नहीं करेंगे, पहले आपको वो डिवाइस को आपके इंटीग्रेट करना अपने CPPM के अंदर, ऑथेंटिकेट करवाना है SSID के थ्रू, यूजर चलना चाहिए, उसके बाद आपको रूल बनाना है। तो पहला काम रहेगा आपको डिवाइस को ऐड करना, WLC को। जैसा ऐड हो गया तो वो उसके जितने भी यूजर इधर हिट करेंगे, लेकिन आपको एक्सेस पॉइंट एक ही पे काम करना है। आपके पास स्टैंड ऑलोन WS कंट्रोलर है? आई डोंट थिंक सो। देखो ना, जो भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो हमारा मेरे देखो, माय अंडरस्टैंडिंग वाज, मैंने वही बंदे को बोला है अपने आर्किटेक्ट को, देखो अगर लैब नहीं है रैप, पहले मैं आई टोल्ड हिम कि वी शुड डू अ लैब, हमको करना चाहिए रोल आउट, करेक्ट। ठीक है ठीक हाँ है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, रोल हो गया, चल पड़ा, उसके बाद हम करेंगे। मतलब विक्रम प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेटा सेंटर में लैब है वहां पे ऑलरेडी APs चल रहे हैं, वहां पे हमको AP लगाना था, दे नहीं रहे क्योंकि वो इट इज कंफ्लिक्टिंग। तो बोला कैसे करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन में कर देंगे कैसे करेंगे? तो बोला मैं, आई एम टेकिंग इट अवे टू क्लाइंट, मैं पता करा था, ठीक है। तो पर हाँ, जो भी उसने बोला कि भाई पहला प्रोजेक्ट ये है कि हमें गेस्ट पोर्टल बनाना है, पूरा कैप्टिव पोर्टल पूरा बनाना है, उसको लॉन्च करना है, तो गेस्ट पीपल कैन डू इट। वो एक बार चल पड़ा, प्रूवन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना करेंगे गे कॉर्पोरेट का SSID करना है, रोल आउट विद Windows 10 एंड Windows 11 PCs ओनली। वैसे तो अभी 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 वैसा है आपका उनका प्लान। अभी आपके नेटवर्क कैपे पोर्टल है या नहीं है? अभी नहीं है ना हमारे पे कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं है, मतलब पूरा आपको बनाना है, तो वो गुड थी।
हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं तो आपको, ठीक है ना, वहां पे अच्छा अब है। कुछ है नहीं है। उन्हें उनको मालूम पड़ा है कि कलियर पास में एक फीचर आता है कैप्री बॉटल का, वो बनाना है हमको। ओके। आइस पे वो लोग कुछ यूज नहीं कर रहे थे, आइस पे दे वर यूजिंग वेरी सिंपल थिंग्स। अब उनको ऊपर सब सबको ऊपर से आया है डंडा, ठीक है कि सालों कमीनो करो काम, सब कुछ करो। तो ओके फिर ठीक हाँ, है, तो अभी उन्होंने नवा बनाना है, एकदम कैप्टन बोर्ड हाँ बनाना, तो सब कुछ नवा हो करना है सब ठीक है, हो कुछ। जाएगा, नॉट बिग डील, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, कुछ नॉट बिग डील हो जाएगा, कैपी पोर्टल फीचर्स है। और WLC का क्या ना मॉडल नंबर है? नहीं अभी 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 कुछ भी नहीं है, अच्छा मुझे कुछ कुछ पता नहीं लिया ही है, नहीं है तो ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या मॉडल मतलब है। मैं तो अभी तो लिया ही नहीं ना। देखो अभी तो शुरू करेंगे काम, करेंगे सब हाँ कुछ शुरू करेंगे, इसलिए मैं बीच में नहीं जल्दी कर रहा कि यार कुछ लैब बनाओ कुछ करो, तो सब चीज समझ में आया मेरे लेकिन को कंट्रोल तो। आपका एक्सेस पॉइंट WLC भी लगेगा, सिर्फ इसकी लैब से नहीं चलेगा ना काम। अच्छा आपका कोई दोस्त वोस्त है क्या जहाँ पे कहाँ, आपको लैब मिल सकती है ऐसे करे आधे महीने के लिए रेंट पे? नहीं ऐसे कोई लैब नहीं मिलती एक्चुअली, मेरे इसमें था लेकिन अभी उन्होंने लैब बंद कर दिया है। वो था मेरे पास ऑफिस में ही लैब था, मैंने आज ही बात की वो लैब आ मुझे गया एक्सेस चाहिए करके, वो बोले कि अभी बंद किया। बोला चालू करो उसको, मुझे कुछ टेस्टिंग करवाना है, मुझे कुछ डिप्लॉयमेंट के बैंक के लिए, तो बोलता है चालू करेगा, तो चालू करा तो मैं आपको ज़रूर उसको दूंगा एक्सेस, क्योंकि वो लैब में अपना इंटरनल, उसमें हाँ कुछ ना ज़्यादा यार कुछ नहीं है। मैं उसको बोल, वही देखो ना, उसपे कैसा करने का है, उसपे खुद ही का बना दो, क्रेडेंशियल बना दो, समझा, या बना दो समथिंग कॉल एक बना करेक्ट दो, यूजर नंबर बना दो, या यूजर टू बना दो, या गेस्ट बना दो, यूजर बना दो, करेक्ट। आप बना लो अपने बनाना क्या, वो मेरे को शेयर कर दो वैसा कुछ तो भी, तो वैसा वो ही वो करा तो। अरे देखो ना फिर सब बनाऊंगा करूंगा तभी तो समझ में आएगा कि होल चीज भैया चल क्या रहा है, बराबर है, खुद बनाएंगे रोल बनाएंगे खेलेंगे तोड़ेंगे तब समझ में आएगा ना कि चीजें सब चल कैसे रही है, करेक्ट समझ आएंगे भाई जी, करेक्ट करेक्ट। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलो कुछ नहीं है, अच्छा अभी थेरी थ्योरेटिकल वन में हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कुछ कर सकते हैं? कर थर्ड अभी थ्रेडल में भी सर्विस हम लोग आए, सर्विसेज में हमने स्टार्ट कर दिया, आज सर्विस ही है ये तो ये। हाँ ठीक है एक मिनट, ठीक है सर्विसेज पार्ट कोई हम, जगह पे कोई 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 ऐसी जगह है जहां पे आप एक डमी बना सकते हो पॉलिसी, उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं कर दिया, रीड ओनली एक्सेस, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं बैंक के अंदर आपको एक्सेस है, बैंक के अंदर बैंक के अंदर एक्सेस है बट अभी ना वो लाइव है ना, वो बहुत बड़ा ब्रिज, सिक्योरिटी ब्रिज होता है, आप समझे ना, बैंक हाँ के सही अंदर, बात बैंक के अंदर सिक्योरिटी ब्रिज, वो कैमरे लगे हुए हैं, गलती से दिख गया तो मेरे लेने के दिन हो जाएंगे। सिक्योरिटी ब्रिज, हाँ सिक्योरिटी ब्रिज हो रहा है ना, और मैं ही नया सिक्योरिटी संभाल रहा हूँ, और मैं नहीं। ही है ब्रिज कर रहा हूँ, तो बोलेगा ना भाई तू ही रह के तू ही ब्रिज करेगा तो कैसे चलेगा, या तो अभी ऑडिट भी चल रहा है, तो ये सब बहुत रिस्क फैक्टर, और बैंक फाइनेंस मार्केट में ऐसा हाथ लगाना बहुत रिस्क हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रिज होना बोले तो चैलेंजेस वाली बात होती है ना वो, इसलिए वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। UAT होता तो मैं आपको पूरा देता था, UAT कोई भी नहीं है उसमें सर, पूरा लाइव एनवायरमेंट है। यार वही तो प्रॉब्लम है, मैं वही सर्च होल्ड कर रहा हूँ कि यूएटी कहाँ से निकालू, कुछ करूँ क्या करूँ। UAT 6 महीने पहले था मेरे पास, 1 साल तक था, अभी मैंने बंद कर दी UAT को, अभी मैं वापस काम कर रहा हूँ UAT पे कि 5 सर मुझे अब करना है UAT के लिए, लेकिन वो अभी विंटेल टीम से उसने अभी तक तो उसको ये नहीं, भाई विलियन टैगिंग नहीं किया है, उसको कल बात करता हूँ कि भाई उसको विलियन टैग मुझे एक तो दे, तो एटलीस्ट में उसमें मैं UAT पे सब कुछ कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी मुझे अगर अपने एक्सेस लाइसेंस जो है और एक्टिवेशन लाइसेंस लेने हैं प्रोफेशनली करना है, क्योंकि मेरा एक इन्वायरमेंट है US का मुझे बिल्ड करना है, वो एक्सेस लाइसेंसेस मैं सब कहां से लूंगा, वो वो आपको अरुबा, कहां अरुबा मिलेंगे? अरुबा से मिलेंगे, अरुबा से मिलेंगे, परचेस करना देन यू है डाउनलोड द एक्सेस लाइसेंस ऑन योर PC। एक्सेस लाइसेंस आपको, नोट ऐसा एक ये आता है की आती, की भेजते हो, की अपलोड होती, अच्छा की डालने के बाद जैसे एक जैसे की, जैसे 25-30 लाइन की आती है वो, मैं आपको दिखा दो, अगर मेरे अच्छा पास रहेगा ना मैं आपको दिखा दे, 8 मिनट, मेरे पास आज मैं डाउनलोड किया था की, किस तरह की रहती है, 1 सेकेंड। एक काम करेंगे भाई जी अपना, बोलिए इफ यू बोलिए। डोंट माइंड, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, आज क्लास आज छोटी, कैसा जी है मेरी ना मेरी जो वाइफ है जरा बाहर गई है आज, हाँ और मेरे दो छोकरे घर पे हैं, वो दोनों ना खुद को लड़ मर के दोनों को कत्ल कर देंगे खुद का एक दूसरे का। नहीं चलेगा आज हमने, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा, अरे तो दोनों हाँ एक दोनों में तो आ रहे हैं, ये करो वो मुझको मार रहा है, इससे मेरे को मार आ रहे हैं, मैं तुम्हारे दोनों की क्या बोलूंगा, गाली इतने भी नहीं आ रहा है कि गाली मेरे को लगने वाली फिर अच्छा नहीं ठीक है तो चलेगा, कल ऐसी कल बैठते हम लोग, वादा नहीं, आज हम लोग बहुत अपना कल छोटे, बैठेंगे 1 घंटे के लिए बैठते हैं किस ठीक है टाइम पे था ठीक थेरोटिकल, है चलेगा चलेगा, वादा नहीं, मैं जरा पता कराता हूँ कुछ, आप जरा पता कराओ कुछ होता रहेगा अगर तो भाई मेरा जी यूट्यूब होता प्लीज। तो वेल एंड गुड, मेरा यूट्यूब में चेक करो, अगर हो जाएगा तो आपको वहाँ से डायरेक्ट दिन में ही आपको लेक्चर ले लूँगा। पर मेरी बात सुनो ना, बोलिए बोलिए। अपने इंडिया के अंदर इतना कोई बॉम्बे में कोई रहेगा किसका रहेगा, कहीं तो भी लैब मिलती रहेंगी रेंटल के ऊपर अपने, कहीं तो नहीं नहीं भी किसी के पास भी नहीं है, पता, किसी अरे ऐसा के हो सकता ही नहीं नहीं, मैं यार, बता रहा हूँ आपको, कैसे नहीं पता तुम्हें? UAT से अभी जो सेटअप है ना, और पहली बात कोई हाथ लगाने देगा नहीं आपको, सबसे पहली बात बाहर के आदमी को कोई भी नहीं देगा आप। नहीं, हाँ अरे अरे उसको बोल मतलब हमको सेल करना,
कि भाई तुमको चाहिए 2 हफ्ते के लिए, तो तुम मुझको इतने 1,000 रुपए दे दो, मैं तुमको देता हूँ। समझ में आया क्या? समझा मैं, वैसे बोल रहा हूँ ना, फुकड़ में नहीं मांग रहे अपन। पर वो लैब में आपको वो सब WLC वगैरह रहना चाहिए ना उसके अंदर, सिर्फ क्लियर पास के लैब वो लेके वही तो पूरा बोला मैं, पूरा पूरा WLC अच्छा स्विच सब कुछ, पूरा सेटअप वो सेटअप देखना पड़ेगा मेरे को देखो पूछ ना। पूछ के अरे लेके। भाई देखो, एक CPPM को तो अपन लैपटॉप में भी कर लेंगे, नहीं करा के वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे अपना अपने सही बोल, उससे मसला सॉल्व होगा नहीं, नहीं होगा अपना पंगा सॉल्व होगा जब अपने पास एक स्विच होगा, करेक्ट अपने पास एक, अपन को चाहिए क्या, वी नीड वन इंस्टेंट एपी। एपी करेक्ट इंस्टेंट एपी में क्या होता है, वी हैव उसमें वर्चुअल WLC भी है, करेक्ट उसमें एपी भी है, बराबर उसको बनाओ उसमें करो। वैसे ज्यादा बड़ा सेट नहीं चाहिए, अपन को चाहिए एक स्विच चाहिए, एक एपी चाहिए विद कंट्रोलर एंड डन, होगा काम वो अपना एपी तो खत्म। आईएपी का काम करो तो कंट्रोलर जैसे ही काम करता है एपी भी आईएपी। वही तो बोला मैं, अरे अपने एक इंस्टेंट एपी ले लिया ना हाँ कहीं, स्टैंडर्ड उसमें इंस्टेंट काम एपी, हो सिंगल जाएगा एपी, और एक सिंपल स्विच, स्विच सिस्को करेक्ट का स्विच रहने दो या अरुबा का रहने दो, कोई भी रहेगा। बस वही चाहिए अपन को। ये कोई शीशे की लैब थोड़ी ना है, शीशे की लैब कर रहे हैं अपना, नहीं छोटा बराबर दो तीन चीजें चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट किसी के यहाँ पे रहा कभी गलती से मुंबई में, किसके इतना बड़ा है मुंबई यार, पता करो किस में रहेगा। तो मैं बात करके देखता हूँ, और मुझे तो दिखता नहीं ऐसा किसने बोला नहीं, और नहीं मुझे किसने रिकमेंड किया कि लैब ऐसा कोई, फिर भी मैं देखता हूँ बैंगलोर वाले के पास, बैंगलोर वाले के पास होगा, बट लेट्स सी देखते हैं वो तो कि बोला बैंगलोर में हो, कहीं हो, कहीं भी पूरे इंडिया में ऐसा होता नहीं होगा, इतना बड़ा कंट्री नहीं है, इंडिया में होगा हम बैंगलोर चांद पे पहुंच गए अभी कल सूरज के बाजू ऊपर लेवल मिल रहा में हमको बताओ सूरज के बाजू में चले गए, और सूरज के पास भेज देना और एक सेटेलाइट L1 है भेज कि देना। नहीं बताओ। फिर तो मेरा बोलना है कि इतना मतलब कहीं कोई कोई रैक रेंटल दे रहा हो कि भाई मेरा सेटअप है, तुम मुझको इतना पैसा दो ठीक है ना, करेक्ट और करेक्ट मैं तुम उससे हफ्ते में ले लो पूरा, उस पे क्या करेंगे अपना साला बैठ के ना, उसके ऊपर पूरी उसकी माँ भले कर देंगे दोनों बैठ के अपन, क्या करेंगे, तो बराबर परफेक्ट। होगा अपना काम है कि एक नहीं। बैंगलोर वाले से पूछना होगा कि बैंगलोर में मिल सकता है, बाकी और कहीं तो मुझे नहीं चांसेस वो लगता। तो बोला बैंगलोर में रह दो, मद्रास में रह दो, भाई कहीं भी रह दो, आपको वो ना जाने का यहाँ पे, बराबर अपन बराबर एक्सेस ही करने के ना, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल है कि नहीं। परफेक्ट और अपन को परफेक्ट चाहिए कुछ भी नहीं, अपन को चाहिए एक CPPM, एक चाहिए स्विच, और एक चाहिए इंस्टेंट एपी, बराबर हो गया अपना काम खत्म बात, बराबर है कि नहीं। उस बराबर पे बराबर क्लाइंट पे, और अपना चाहिए, अपन को चाहिए एक वर्चुअल पीसी चाहिए, उस पे SSL ब्रॉडकास्ट करेंगे, वर्चुअल पीसी से कनेक्ट करेंगे, हो गया कनेक्ट, उस पे मैक भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे अपना, कराएंगे सब कुछ। करेक्ट। देख तो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो अपने को ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा। तो कुछ उसे कर चलो, करते हैं कल मिलते हैं, बात करते हैं ठीक है चलेगा। इस पे ना। कल थेरी में अपना अभी अभी अपना कुछ बचा है, थेरी के अंदर थेरी पढ़ में सकते हैं अपना पूरा कुछ क्या? कॉन्फ़िगरेशन में पूरा कॉन्फ़िगरेशन बचा है अपना अभी फिलहाल।